दोस्तों व्हाट्सएप पर ऑनलाइन होते हुए भी ऑफलाइन कैसे दिखें, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। होता क्या है, कभी कभी आपके कोई ऐसे फ्रेंड होते हैं जो आपके ऑनलाइन रहने का इंतजार करते हैं और जैसे ही आप ऑनलाइन आते हैं वो फटाफट से आपको मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं, भाई पैसा उधार दे दे, भाई ये कर दे वो कर दे। तो इस सभी से बचने के लिए आप क्या करिए, आप अपने व्हाट्सएप में एक सेटिंग कर लीजिए जिसके बाद आप अगर व्हाट्सएप पर जब कभी भी ऑनलाइन आएंगे तो आप उन लोगों को ऑनलाइन नहीं दिखेंगे जिनको आप ऑनलाइन नहीं दिखाना चाहते हैं। तो वो कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ये सेटिंग करनी है। तो इस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने WhatsApp अकाउंट में आ जाना है, जैसे कि मैं WhatsApp अकाउंट में आ चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर छुपा हुआ है वो राज जिससे कि आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे। आप जैसे कि जाएंगे ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर तीन डॉट देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर तीन डॉट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको आना है सेटिंग्स वाले एक ऑप्शन में, ये देखिए सेटिंग्स वाला ऑप्शन। हम जैसे कि इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने आ जाएंगे कई ऑप्शन। फिर आपको यहाँ पर अकाउंट, प्राइवेसी, अवतार और कई ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर। चलिए हम प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हमने प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा हु कैन सी यूर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। तो आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है लास्ट सीन एंड ऑनलाइन वाले पर। तो चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि दोस्तों आप लास्ट सीन एंड ऑनलाइन वाले ऑप्शन में आ चुके हैं, सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा हु कैन सी माई लास्ट सीन। तो दोस्तों कुछ लोग होते क्या है, आपके लास्ट सीन को देख के ही पता लगा लेते हैं आप कितनी देर पहले ऑनलाइन थे। अगर आप इस ऑप्शन को बंद करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एवरीवन का जो ऑप्शन है इसको हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर नीचे माय कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप माय कॉन्टैक्ट यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सिर्फ आप उनको ही ऑनलाइन दिखाई, मतलब उन्हीं को आपका लास्ट सीन दिखाई देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। तो दोस्तों तीसरे ऑप्शन पर जैसे कि हम क्लिक करेंगे, देखिए मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट आपने सेव कर रखे हैं वो आप सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हीं लोगों को अपना लास्ट सीन दिखाएं तो आपको क्या करना है, आपको इनके नाम के आगे यहाँ पर टिक लगा देना है इस तरीके से, जिनको भी आप करना चाहते हैं। और जैसे कि आप इस पर टिक लगा देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो चेक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको चेक पर क्लिक करना है और इसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपका जो लास्ट सीन है वो इन्हीं लोगों को दिखाई देगा जिनको आपने सिलेक्ट किया है, किसी को भी आपका लास्ट सीन दिखाई नहीं देगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं आपका लास्ट सीन कोई भी ना देख पाए यानी कि आप कब ऑनलाइन थे, तो आपको यहाँ पर नोबडी का जो ऑप्शन है आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा हु कैन सी वेन आई ऑनलाइन। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे जो एवरीवन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको हटा देना है और आपको जो नीचे सेम एस लास्ट सीन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम इसको जैसे कि सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद दोस्तों अब आपको कोई भी ऑनलाइन नहीं देख पाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी व्हाट्सएप की इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जो मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहते हुए भी ऑफलाइन दिखना है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।